लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। खुशखबरी, इन चीजों से जीएसटी को हटा दिया गया है। बैंकों के आत्म से नकद निकासी और चेकबुक जैसी सुविधाओं को ग्राहकों के लिए निःशुल्क रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि ये सेवाएं माल एवं सेवा कर जीएसटी के रेंज से बाहर हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगने वाले विलंब शुल्क और प्रवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा। एसपी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में बार बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण करते हुए इनके जवाब दिए। इन प्रश्नों को फ्रीक्वेंटली एस्क्ड क्वेश्चंस यानी FAQ भी कहा जाता है। ऐसे सवालों की सूची वेबसाइट्स पर उपलब्ध होती है। राजस्व विभाग ने इन सवालों के स्पष्टीकरण के एवज में कहा कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेन देन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। वित्तीय सेवा डिपार्टमेंट ने पिछले महीने इस संबंध में राजस्व विभाग से संपर्क किया था। पीडब्ल्यूसी में पार्टनर एवं लीडर अप्रत्यक्ष कर प्रतीक जैन ने कहा कि फैक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएसटी के दृष्टिकोण से वित्तीय सेवाओं को सबसे जटिल माना जाता है। यहां भी नहीं देनी होगी जीएसटी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों को देश के हवाई अड्डों की शुल्क मुक्त ड्यूटी फ्री दुकानों से सामान खरीदारने पर माल एवं सेवा कर जीएसटी नहीं देना होगा। राजस्व विभाग जल्दी ही इस छूट के बारे में क्लीरिफिकेशन जारी करेगा, एक अधिकारी ने यह बात कही। इससे पहले अग्रिम निर्णय प्राधिकरण AAR की दिल्ली पीठ ने मार्च में दी गई एक व्यवस्था में कहा था हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों से वस्तुओं की बिक्री पर जीएसटी लगेगा। लेनी होगी पासपोर्ट की प्रति। राजस्व विभाग स्पष्ट करेगा कि शुल्क मुक्त दुकानों को उन यात्रियों से केवल पासपोर्ट की प्रति लेनी होगी जिन्हें वे सामान बेचती हैं और बाद में ये दुकानें अपने माल की खरीद पर चुकाए गए जीएसटी के रिफंड का दावा सरकार से कर सकेंगी। इसे ही माना जाएगा पासपोर्ट की प्रति को वस्तुओं की बिक्री का सबूत माना जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार AAR के आदेश से भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। उन्हें जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पहले केंद्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर VAT से छूट प्राप्त थी क्योंकि इन दुकानों से उत्पादों की बिक्री को निर्यात माना जाता था। हिंदी में शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस पर नियमित अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा पेज। अगर ये न्यूज़ पसंद आए तो कृपया हमें फॉलो कीजिए, इस आर्टिकल को लाइक भी कीजिए।